नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करेंगे 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों का। तेलंगाना में पीएम मोदी ने किया सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों का जिक्र, कहा प्रार्थना में उनके रेस्क्यू ऑपरेशन को भी दी जगह। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वंचित वर्ग की न्याय आवश्यकताओं को बढ़ाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने ग्लोबल साउथ के देशों को दी नसीहत। असदुद्दीन ओवैसी ने के डर से सीएम के चंद्रशेखर राव ने दिया 4% आरक्षण, तेलंगाना में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मणिपुर को तोड़ने की कोशिशों में जुटी कई ताकतें, सीएम बीरेंद्र सिंह का लोगों से एकजुट होने का आह्वान। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम लगभग हुआ पूरा, मलबा साफ करने में जुटे रेड हॉल माइनिंग एक्सपर्ट्स। आगरा में 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज, विपक्षी गठबंधन पर विजय शिवहरे ने साधा निशाना। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। हरदोई में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने मंदिर से घंटा किया चोरी, चोरों ने खंडित किया शिवलिंग। मऊ में झोपड़ी में लगी आग, महिला की जलकर हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में लाउडस्पीकर के खिलाफ चला अभियान, 9 धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर्स। इसराइल हमास 2 दिनों के युद्ध विराम के लिए राजी, 20 बंधक होंगे रिहा, बाइडेन ने की 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत। सुबह सुबह 3 देशों में भूकंप, पाकिस्तान, चीन और पापुआ न्यू गिनी में सहमे लोग, धरती के नीचे काफी चीजें तरल पदार्थ में पाई जाती हैं। हमास बंधक बच्चे की रिहाई पर आयरलैंड के पीएम की टिप्पणी पर फूटा नेटिजंस का गुस्सा, इसराइल में राजदूत तलब। इसराइल हमास युद्ध विराम को लेकर कतर का बड़ा ऐलान, 2 दिन बढ़ी समय सीमा, युद्ध में 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। इसराइल पहुंचे टेस्ला के मालिक एलन मस्क, पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करके बोले फिलिस्तीनी क्षेत्रों को कट्टरपंथ से मुक्त करना महत्वपूर्ण है। गुजरात टाइटन से अलग होने के बाद हार्दिक पांड्या का आया पहला रिएक्शन, बोले ना भूल पाने वाले सफर के लिए धन्यवाद। इतनी शानदार टीम की कमान संभालने के लिए पर्याप्त शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, गुजरात टाइटन्स का कप्तान बनने पर शुभमन गिल ने दी खास प्रतिक्रिया। इटली ने 47 साल बाद डेविस कप जीता, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया, भारत 3 बार रनर अप रहा। सात्विक चिराग की जोड़ी चाइना मास्टर्स के फाइनल में हारी, चौथा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल खेल रही थी। चरखी दादरी में अपने पुश्तैनी घर पहुंची गीता फोगाट, पुरानी किचन, बेडरूम और आंगन दिखाया, बोली यहां बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। आलिया भट्ट के डीप फेक का शिकार होने पर रश्मिका मंदाना ने किया रिएक्ट, बताया डरावना। अंकिता लोखंडे ने पति विकी जैन को दे दी घर छोड़ने की धमकी, अंकिता ने विकी जैन को समर्थ से दूर रहने के लिए कहा। टाइगर 3 ने तोड़ा ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 450 करोड़ के करीब पहुंची सलमान खान की फिल्म। फेमस फैशन डिजाइनर रोहित बाल की तबीयत बिगड़ी, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं जंग।
एमी अवार्ड लेकर जा रहे वीरदास को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने रोका, बोले बैग में ये मूर्ति क्या है दिखाओ। बच्चों बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।